गुड इवनिंग एंड वेलकम ऑल। आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सेगमेंट में हम पांच वन वर्ड्स देखेंगे। पहला वर्ड है विडो, दूसरा विडोवा, तीसरा वायरलेस, चौथा होलसम और पांचवा जू। विडो की हिंदी होती है विधवा। इसके लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है अ वीमेन हुज हस्बैंड इज डेड, एक औरत जिसका पति इज डेड, मृत है, उसे बोलते हैं विडो। एक औरत स्त्री जिसका पति मृत होते हैं उसे बोलते हैं विधवा। आप जानते हैं हिंदी में इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश में ध्यान रखेंगे हम, विधवा की इंग्लिश होती है विडो। फिर विडो का मैस्कुलिन जेंडर विडोअर है, इसकी हिंदी होती है विधुर। विधुर तो सीधा उल्टा होगा। अब पुरुष जिसकी पत्नी मृत है, देखते हैं क्या लिखा है। अ मैन हुज वाइफ इज डेड, एक आदमी जिसकी पत्नी डेड है, मृत है, तो उसे बोलते हैं विडोअर। विडो तो कम आता है, विडोअर अधिक आता है, इस पे ध्यान रखेंगे आप। और दोनों जेंडर में अपोजिट जेंडर है। देन वायरलेस, वायरलेस की हिंदी होती है बेतार। मेथड ऑफ सेंडिंग मैसेजेस विदाउट द हेल्प ऑफ वायर्स, बिना तार की सहायता से सेंडिंग मैसेजेस भेजना का जो तरीका होता है, मेथड होता है, उसे कहते हैं वायरलेस। वायरलेस की हिंदी तो बेतार लिखा है, लेकिन बेतार एक मेथड इटसेल्फ, जब मेथड इटसेल्फ एक तरीका है जिसके सहायता से, बिना तार की सहायता से हम संदेश को भेजते हैं। जैसे पहले आप जानते थे जब टेलीफोन होता था तो एक जगह से कॉल होता था तो तार से जुड़ा होता था वो, और दूसरे जगह पर रिसीव होता था, वो सब पूरा का पूरा एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक तार से जुड़ा होता था। तो वो तार वाला सिस्टम था, विद वायर था, और यहाँ पे वायरलेस है, जैसे कि आप अभी मोबाइल से कर रहे हैं, सारा का सारा वायरलेस है। फिर है होलसम। होलसम मतलब होता है पौष्टिक। पौष्टिक का मतलब क्या, कि जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उसे बोलते हैं पौष्टिक। फेवरेबल टू द हेल्थ, हेल्थ के लिए फेवरेबल, फेवरेबल की हिंदी हो जाएगी अनुकूल। अनुकूल मतलब अच्छा, ठीक। तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा क्या हो सकता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा फूड हो सकता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा क्या हो सकता है, एयर हो सकता है। आप अगर प्रदूषित एयर में सांस ले रहे हैं तो वो होलसम नहीं कहलाएगा। जो क्लियर एयर में अगर आप सांस ले रहे हैं तो उसे कहेंगे कि वो होलसम एयर है। तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा आपका, आपकी आदतें भी हो सकती हैं। तो इस तरह से फेवरेबल टू हेल्थ जो कुछ भी होता है, चाहे फूड हो, एयर हो, कुछ भी हो, जिससे कि आपके स्वास्थ्य पे सही असर पड़ता है, एक्सरसाइजेज करते हैं, वो सब भी, उसे कहते हैं होलसम। देन लास्ट इज जू। सब जानते हैं इस बारे में, जू के बारे में, लेकिन जू में रखते हैं हम क्या, बर्ड्स एंड एनिमल्स, यहाँ पे एंड रहेगा। अ प्लेस वेयर बर्ड्स एंड एनिमल्स एटसेट्रा आर केप्ट, कहते हैं कमा रहेगा, एंड हटा कर कमा कर दीजिए, बर्ड्स एनिमल्स एटसेट्रा आर केप्ट, कहते हैं उसे जू। तो इस तरह से पांच वर्ड्स हमारे खत्म हो रहे हैं। पहला था विडो, दूसरा विडोवा, तीसरा वायरलेस, चौथा होलसम, पांचवा जू।